हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गेट योर कॉलेज। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक करियर काउंसलर हूं। मैं बच्चों को हेल्प करता हूं राइट कॉलेज को डिसाइड करने में, राइट कोर्सेज को डिसाइड करने में। अगर आपको किसी भी तरह की ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और हमारे अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो है जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। वन ऑफ द वेरी सीनिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत ही अच्छी जगह लोकेटेड है, बहुत ही सुंदर है, हरियाली चारों तरफ मिलेगी, बिल्डिंग्स वगैरह सब बहुत अच्छे बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी एक्रेडिटेशन के बारे में। तो UGC अप्रूव्ड है, ठीक है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उन्होंने ले रखा है क्योंकि लॉ डिपार्टमेंट इनके अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से इनके रिकॉग्निशन है और NCTE अप्रूव्ड है, मतलब अप्रूवल इनके पास सारे हैं। इसके अलावा इनको अवार्ड्स की बात करें तो इनको अवार्ड्स हर साल बहुत सारे मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनके डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग अवार्ड्स रेगुलर बेसिस में मिलते हैं। और जो इनके चांसलर हैं वो बहुत एक्टिव चांसलर हैं, वो कई चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि आप अलग अलग चीज़ों में जाकर एक्सपीरियंस लो, प्रैक्टिस करो, सो दैट तुम्हें अच्छा एक्सपोजर मिल सके। तो बात करते हैं अवार्ड्स के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर सेंट्रल इंडिया बाई एसोचैम, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स की तरफ से इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर मिला हुआ है। डायमंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मिला है QS रैंकिंग से, जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग है, बहुत अच्छी रैंकिंग कंपनी है। इसके अलावा रैंक नंबर 22 इन इंडिया बाय इंडिया टुडे, इनकी रैंकिंग 22nd प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आती है ओवरऑल इंडिया टुडे के द्वारा इन्हें यह अवार्ड मिला है। USP क्या है मैं आपको बता दूं, इनके कई सारे ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएशन है, तो इनका खास बात यह है कि ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को, मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम है। इसके अलावा ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, मतलब ये चाहते हैं कि बच्चों के जो ग्रोथ हो वो ऑलराउंड हो। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अच्छे और बड़े इंपॉर्टेंट की बात कर दूं। तो बड़ा डिपार्टमेंट इसमें से है फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव स्टडीज़, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बच्चे स्पेशली जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है। अगर आपको स्पेशलाइज कोर्स करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो आप यहाँ से कर सकते हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में आपको स्टडीज़ करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। UG में कौन कौन से कोर्सेज हैं, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, B डिज़ाइन, इसमें तीन अलग अलग वेरिएंट्स हैं, BBA हैं, 3-4 वेरिएंट्स इसमें भी हैं, मतलब स्पेशलाइजेशंस हैं, BCA है, BCom है, BTech है, BSc है, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन एंड पेस्ट्रीज हैं और बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पूरे MP में इनके पास कोर्स है, आप वो भी कर सकते हैं। PG के कोर्सेज MA है, M डिज़ाइन है, LLM है, MBA है, एग्जीक्यूटिव MBA है और MTech का प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो अफोर्डेबल है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से। जो इनकी BBA की फ़ीस है वो अराउंड 80,000 रुपीज़ है। इसके अलावा BCom की फ़ीस 95,000 है, LLB की फ़ीस 65,000 है, BTech की फ़ीस 1,15,000 है, MBA 1,75,000 है और इसके ऊपर भी कुछ वेरियंट्स हैं उनकी अलग फ़ीस है। LLM की फ़ीस अराउंड 1,00,000 है, MDesign 1,55,000 रुपीज़ पर ईयर और MA 1,10,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपको फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ इनकी बहुत अच्छी हैं। इन हाउस हॉस्टल है, मतलब बच्चे पूरे इंडिया से आकर वहाँ रह सकते हैं। इसके अलावा 14 एकेडमिक ब्लॉक्स है, 231 एकर्स में कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, 125 प्लस क्लासरूम्स है, 50 प्लस लैब्स हैं, 28,000 स्क्वायर फीट का इनका लाइब्रेरी है, 5 प्लस ऑन कैंपस फूड कोर्ट है, 4 ऑडिटोरियम्स हैं और 350 स्टूडेंट्स के रहने के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं। इनके अलावा जिमनेजियम है, रिक्रिएशन रूम्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप भोपाल में कहीं और भी रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इनके पूरे भोपाल में फैली हुई है, आपको वहीं से पिक करके कॉलेज आ सकते हैं। किस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, कौन कौन से स्कॉलरशिप्स यहाँ पर हैं, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है और स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, मतलब आपको एकेडमिक स्कॉलरशिप मिलेगा, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलेगा, चांसलर फ्रीशिप्स भी मिलेंगे और अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन लोन लेना है तो आपको एजुकेशन लोन भी कॉलेज की तरफ से ही इनके टाइप्स हैं, वो आपको एजुकेशन लोन भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, मैंने आपको कोशिश किया है कि पूरा कवरेज दूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में। थैंक यू सो मच, माय नेम इज अतुल जैन।